मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस। बीएसएफ का सपूत नितेश शर्मा शहीद। नई दिल्ली भारत बांग्लादेश पर दिल्ली से सीमा सुरक्षा बल के जवान नितेश शर्मा गुरुवार को अंततः 35 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जीवन की जंग हार गए। संपूर्ण दिल्ली के लोगों ने गुरुवार शाम उनको भावभीनी विदाई दी। उनके अंतिम संस्कार में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारत माँ की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा नितेश शर्मा तेरा नाम रहेगा जैसे नारों के साथ आकाश गूंज उठा। रोहिणी क्षेत्र के विजय विहार में उनका गार्ड ऑफ ऑनर सहित पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली के नितेश शर्मा मेघालय के तुला में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान उन्हें गत 18 अक्टूबर को गोली लगी जिसके बाद उन्हें गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज और फिर उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में एयरलिफ्ट कराया गया। जिंदगी और मौत के बीच एक महीने की लंबी जंग लड़ते हुए गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम संस्कार में उनके पैतृक गांव चांचली जेवर से सैकड़ों लोगों का विशाल हुजूम बीएसएफ अधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल भाजपा के निवर्तमान पार्षद मनीष चौधरी आपके वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सोलंकी मनोज मलिक अविनाश तिवारी सहित उनके सभी परिजन शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि गांव चांचली जेवर ग्रेटर नोएडा में जन्मे नितेश शर्मा अपने स्वर्गीय पिता त्रिभुवन शर्मा के अकेले 24 वर्षीय पुत्र थे। अब उनके परिवार में सिर्फ उनकी मां गीता देवी बहन कृष्णा शर्मा व प्रिया शर्मा हैं। माता की जय।